बाजार में नेपाली खरीदारों के आने की संख्या काफी कम हो चुकी है। पहले के मुकाबले इस समय करीब 80% तक व्यापार ठप हो चुका है। नेपाल का सरकार के नियम से यही दिक्कत हो रहा है कि जोगबनी का व्यवसाय जितना उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जितना भी दुकानदार है, ठीक है, कपड़ा दुकानदार हो गया, किराना दुकानदार हो गया, जो भी हो गया, अभी उसके द्वारा नेपाल से जो कस्टमर नहीं आता है, 100 रुपया जो आपको जो है मतलब भंसार जो कर दिया, उस हिसाब से व्यापारी पे बहुत नुकसान पड़ रहा है। कितना रुपया से भंसार ले रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया से ऊपर ले जाए तो भंसार लग रहा है। दिक्कत हो रहा है कि उधर से पब्लिक नहीं आ रहा है तो इधर दुकानदारी नहीं हो रहा है जी। बिजनेस पूरा ठप कर दिया है। बिजनेस ठप हो गया है। अच्छा, कितना लगभग होगा? जैसे मान लिए कोई दिन भर में 1000 का माल बेचता होगा, तो पहले की में तो अब कितना बिकता होगा? अभी 20% बिक रहा है। 20% 80% का लॉस। 80% का लॉस है तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान है। फुटपाथ पर कपड़ा बेच रहे अमर यादव ने कहा कि जब से नेपाल सरकार ने भंसार नियम लागू किया है, तब से छोटे व्यापारियों की स्थिति बेहद खराब है। घर में एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाले 5 हैं। ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। असर क्या, यहाँ पे बहुत असर पड़ गया है। पहले से 5% रह गया है, सामान नहीं ले रहा, व्यापारी खत्म हो गया। अच्छा, कितना दिन से ये स्थिति है? ये हो गया आपको 15 दिन हो गया है। 15 दिन से ये स्थिति। पहले सब कुछ ठीक था? पहले ठीक था, बहुत अच्छा था। एक आदमी से 5 आदमी खाना खाता है, अभी ऐसा हो गया है, 4 हो गया है।